तुम्हारे बाबा ने हमेशा तुम्हारे लिए गायक पति ही चाहा। शायद तुम्हारा भी यही सपना हो। इसलिए नंदिनी, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। माँ, मैं भी कई दिनों से सोच रही थी कि आपको एक बात बताऊं। बता दूं? चल, तू ही बता दे। मगर आपको वादा करना होगा कि बात सुनकर आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नाराज क्यों? ऐसी क्या बात है? माँ, दरअसल बात यह है कि भाभी, भाभी, अन्नू बेटी ससुराल से वापस आ गई है। वो बहुत बुरी हालत में है। आप लोग जल्दी नीचे चलिए। एक बात अच्छी तरह से समझ ले अन्नू, वो सब जो भी हो, तुझे उस घर वापस जाना होगा। नहीं बाबा, जो कुछ भी हो जाए उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अन्नू, भलक को भूलकर तुझे ससुराल जाना ही होगा। मर जाऊंगी बाबा, लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मंजूर नहीं उस आदमी के बिस्तर पर हर रात एक दिन लाश की तरह गुजारना। बेटी की शादी पिता की मर्जी से ही होती है। शादी के बाद पति ही औरत का सब कुछ होना चाहिए, यही इस खानदान की मर्यादा है। होली के बाद अन्नू वापिस जरूर जाएगी। नहीं भाई साहब, इस बेशर्म लड़की को अभी इसी वक्त दफा करो। इसकी शक्ल भी देखता हूं तो जी जाता है। जवान लड़कियों पर हाथ उठाना यह हमारे खानदान का रिवाज नहीं है। होली तक वहां पर भी मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद अन्नू ससुराल अवश्य जाएगी। बाबा, ये वहां खुश नहीं रह सकेगी। देखिए किस तरह से मारा है इसे। नंदिनी, बड़े बड़ों के बीच छोटे बोला नहीं करते। जिंदगी इसकी है, कम से कम आप इससे तो पूछो। नंदिनी, यहाँ से चली जाओ। कैसे रह पाएगी इस पति के साथ जिससे प्यार तक नहीं करती? नंदिनी जाओ। समीर ने सब इंतजाम किया है, भरत तुम्हारी राह देख रहा होगा। चलो जल्दी करो। नंदिनी, ये सब क्या है? क्या मैं ठीक कर रही हूँ नंदिनी? मेरे जाने के बाद घर वालों की बदनामी, भरत को कुछ हो गया तो? का वक्त नहीं है, तुम जो भी कर रही हो सही कर रही हो। ओके, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे जीने का हक सिर्फ तुम्हारा है। सब तैयार है? हाँ, तैयार है, बिल्कुल तैयार। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा ना? मुझे लग रहा है दरबार साहब से। चलो चलो, मंदिर के पास भरत इंतजार कर रहा है, जल्दी करो। इडियट, इसका कोई भी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। होगी ना, उसे और भरत को जिंदगी भर के लिए मिलाकर हमने इतना अच्छा काम किया। You know, I think this is all very romantic. हम लोग को भी स्प्रिंट करके शादी करना चाहिए। स्प्रिंट? मेरा मतलब है भागकर, और तुम्हारे घर वाले धोती पहनने से पहले ही हम लोग इटली। मगर हम लोग भागकर क्यों शादी करेंगे? तुम्हें जाकर हक से बाबा से मेरा हाथ मांगना होगा। Of course, of course, that's a done thing, of course. और फिर सोचो, सबके सामने हम फेरे लेंगे। तुझे सब कुछ मालूम है क्या? इसीलिए तुझे यहाँ रखा था? बोल, वरना मार डालूंगा। क्यों मार रहा है उसे? आप ही जिम्मेदार हैं इसके। क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा था आपसे कि अनु को तुरंत वापस भेज दो, आपने एक ना सुनी। तो मैंने ठीक ही किया था। क्या ठीक किया था? खत। अनु भागकर चली गई है पराए मर्द के साथ। ये देखिए मंगलसूत्र और ये खत, थूक कर गई है वो, और सबसे ज्यादा छींटे पड़े हैं आपके मुंह पर। आवाज नीचे करो। हाँ, बड़े हैं ना आप, बर्दाश्त नहीं होता कोई और बोले तो। क्या हक है आपको आपका फैसला हम पर थोपने का? गलतियां आप करें और नतीजे हम भुगतें। इसमें दोष तुम्हारा ही है। अपने बच्चों को इस घर की रिवायत सिखा रह सके, समझा रह सके, और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। ये बदतमीजी नहीं है,
मुझ पर क्या बीत रही है ये आप तभी समझेंगे जब नंदिनी किसी और के साथ भाग जाएगी। बस करो, बहुत हो चुका। ठीक है तो कह रही है, दूसरों को दोष देने से पहले आप अपने घर को संभालिए। और भाई साहब, जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके नाक के नीचे आपकी लाडली बेटी क्या क्या गुल खिला रही है, आपका सर शर्म से झुक जाएगा। खामोश! खबरदार, जो नंदिनी के बारे में किसी ने कुछ गलत कहा तो नंदिनी मेरा विश्वास है, मेरा गुरूर है, वो उतनी पवित्र है जितना मेरा संगीत। अगर उसमें कोई खोट निकली तो यह समझो कि मेरा संगीत हमेशा हमेशा के लिए मर गया, उसके बाद मैं कभी गाऊंगा नहीं। इतना विश्वास है उस पर तो बुलाइए उसे, अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बुलाइए। नंदिनी, 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 वो घर में होगी तो सुनेगी ना भाई साहब। नंदिनी कहाँ हो तुम? भाई साहब जरा बाहर जाकर तो देखिए कैसे कैसे सुर मिला रही है आपकी सुरीली। जाइए। पहले फेरे में हम जिंदगी की सारी खुशियां और दुखों को बांटने की कसम खाएंगे, दूसरे फेरे में आप हमेशा मेरी रक्षा करेंगे और अच्छे बुरे वक्त में मुझे प्यार मान और इज्जत देने की कसम खाएंगे। और चौथे फेरे में मैं आपसे आगे जाने की आज्ञा लूंगी। क्यों? अगर मौत आ जाए तो मैं आपसे पहले ही उसे अपना लूं। जब मौत आएगी तो हम उसे साथ में गले लगाएंगे।